नमस्कार मित्रों, कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हरीरा की रेसिपी। मैंने इससे पहले भी आप लोगों के लिए एक हरीरा की रेसिपी शेयर की थी, जिस पर आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार हरीरा दूसरे तरीके से और थोड़ा डिटेल में आप लोगों को शेयर किया जाए। वैसे तो हरीरा प्रेगनेंसी के टाइम पे जच्चा को खिलाया जाता है, जो कि जच्चा और बच्चा को दोनों को ही तंदुरुस्त रखता है। हरीरा नॉर्मली हम सभी लोग खा सकते हैं। ये हमारे शरीर की ताकत को बढ़ाता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हल्के फुल्के जुखाम खांसी को भी झट से गायब कर देता है। तो हरीरा हमें रात को 2 या 3 चम्मच गर्म दूध के साथ लेना चाहिए। तो आइए फिर चलते हैं, हरीरा बनाना शुरू करते हैं। तो हरीरा बनाने के लिए हमने ये सारी सामग्री तैयार कर ली है। देखिए, ये हमारी ये 100 ग्राम हल्दी का पेस्ट बनाया है मैंने, ये है 100 ग्राम अजवाइन का पेस्ट, ये 100 ग्राम जीरे का पेस्ट और ये 200 ग्राम सौंठ। सौंठ हमें डबल लेनी है मसालों से। जैसे कि हमने 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम जीरा और 100 ग्राम अजवाइन का पेस्ट बनाया है, तो उसी तरह से हमें 200 ग्राम सौंठ लेनी है। और मसाले अगर हम मिक्सी में ना पीस कर सिलवट्टे पे पीस के बनाए हरीरा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वैसे आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब ये हमारे ड्राई फ्रूट कटे हुए हैं सारे, ये देखिए, ये है किशमिश, ये है बादाम, ये है काजू और ये है मखाना, ये है गोला, ये है छुहारा। इनको ड्राई फ्रूटों को हमें बाद में डालना है, पहले मैं इन मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। और ये है हमारा गुड़ 1/2 किलो और ये 100 ग्राम गोंद है, जो कि ताकत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका गोंद का पाक भी बनाया जाता है। यहाँ पर हमने इस हरीरा में भी डाला है गोंद को। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देसी घी में भूनेंगे अभी, और भून के ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर इसको हम ये ड्राई फ्रूट के साथ ही गोंद को भी डाल देंगे हरीरा में, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और ताकत भी पहुंचाएगा ये गोंद। पिछली बार मैंने ये बनाया था देसी घी में हरीरा, अब की बार मैं बनाने जा रही हूँ सरसों के तेल का हरीरा। सरसों का तेल का हरीरा ही बहुत ही बढ़िया बनता है और बहुत ही ताकतवर भी होता है। तो चलिए हरीरा बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई को लिया मैंने और गैस पर रखा है, गैस को ऑन किया, गैस को ऑन करके अब मैं इसमें देसी घी डालूंगी, जिससे मैं पहले सबसे पहले इसको गोंद को भूनूंगी। इसको भूनना है मुझे सबसे पहले इसमें देसी घी डाल के। ये मैं यहाँ पर देसी घी डाल रही हूँ, इसमें हम गोंद को भूनेंगे। अब हमारा घी गरम हो गया है, अब हम गरम घी में इनको गोंद को छोड़ देंगे। अब देखना ये काफ़ी बड़ा बड़ा सा हो जाएगा। इस तरह चलाते रहना है जिससे ये जल ना जाए। देखिए हमारा काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं फूले से। ये हमारा गोंद ब्राउन कलर का हो जाए वैसे ही मुझे निकाल लेना है। देखिए ये, देखिए गोंद हमारा अच्छे से भुन गया है। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी तरह से हम पूरा गोंद को भून लेंगे। ये हमने देखिए सारा गोंद भून लिया है, ये हमारा फूला फूला गोंद अच्छा सा भुन गया है, बढ़िया फूले फूले से हो गए हैं। अब हम इसमें बचे हुए घी में हम अपने ड्राई फ्रूट सारे भून लेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें छुहारा, गोला, काजू, मखाना, बादाम और किशमिश।
अब ये हमारे ड्राई फ्रूट भुन चुके हैं अच्छे से। अब मैं इन्हें एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेती हूँ। हमारे भुने हुए ड्राई फ्रूट, देखिए ये हमारे ड्राई फ्रूट है भुने हुए, ये हमारा गोंद है भुना हुआ। अब हम इनको एक जगह रख देंगे। मेवा हमने सारी भून ली हैं, अब हम मसाले भूनेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम हल्दी को भूनेंगे। इसके लिए हम गैस को ऑन करते हैं और इसमें हम ऑयल डालते हैं। ये सरसों का ऑयल है, इससे हम हरीरा बनाएंगे आज। तो देखिए आधा केजी ऑयल को हम कढ़ाई में डाल लेंगे। इतना ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। अब ये तेल हमारा गर्म हो जाए, इसमें हम हल्दी को भूनेंगे। तो देखिए अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले हल्दी को भूनेंगे। हल्दी डालते ही देखिए हमारे तेल में फेना सा होने लगा। कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। अब ये देखो हमारी हल्दी फेना गायब हो गया, अब हल्दी भुनना शुरू हो गई। इसी तरह से हमें चलाते रहना है और हल्दी को भूनते रहना है। हल्दी हमारी करीब 5 मिनट लेती है भुनने के, 5 मिनट बाद ये हल्दी भुन जाएगी। उसके बाद हम इसी में दूसरा मसाला भुनेंगे। ये हल्दी का हमारा ब्राउन कलर हो गया है थोड़ा सा 5 मिनट में। 5 मिनट बाद हम दूसरे मसाले को डालेंगे इसमें। अब हम इसमें सौंठ को डालते हैं। अब हम सौंठ डालेंगे इसमें, अब सौंठ को भूनेंगे। सौंठ को 2 मिनट तक चलाएंगे, उसके बाद हम दूसरा मसाला फिर ऐड करेंगे। अब देखिए सौंठ और हल्दी हमारी मिक्स हो रही है। इसको ऐसे ही चलाते रहना है बराबर। चलाते चलाते ही हमें तीसरा मसाला भी इसमें ऐड कर देना है। अब लगभग 2 मिनट हो चुके हैं हमें ये चलाते हुए मसाला। अब हम इसमें तीसरा मसाला ऐड करेंगे, ये है अजवाइन। अब हम इसी में अजवाइन को ऐड कर देंगे और इसको भी इसी तरह से हम 2 मिनट तक चलाएंगे। इसके बाद हम और दूसरा मसाला जो रखा है उसको भी ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसके बाद मसाले हमारे जैसे ही जैसे भुनते जा रहे हैं वैसे वैसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ये जीरे के पेस्ट जो रखा है इसको भी डाल देंगे। इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे इसी तरह। अब ये चारों मसाले हमारे इसमें कढ़ाई में आ गए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से भूनना है। मसाला हमने 10 मिनट तक भून लिया है। 10 मिनट मसाला भुनने के बाद देखिए हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है। देखिए आसपास से तेल भी छोड़ रहा है और ये जब तक पूरा तेल ना छोड़ दे तब तक हम मसाले को भूनते रहेंगे। तो देखिए 10 से 12 मिनट लगे हैं मुझे इसको मसाले को भूनने में। और देखिए अब हमारा मसाला पूरी तरह से भुन चुका है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और देखिए तेल छोड़ दिया है मसाले ने हमारे, देखिए आसपास तेल दिखाई दे रहा है। तो समझ लो हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसको एक सेपरेट बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इसमें हम गुड़ डाल के कढ़ाई में पिघलाएंगे। देखिए हमने एक बर्तन में मसाले को निकाल लिया है भून के। अब देखिए आसपास ये कितना ऑयल हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब हम कढ़ाई में 2 गिलास पानी डालेंगे, इसी में हम गुड़ को डाल देते हैं। अब हमारा ये गुड़ पिघल जाएगा, उसके बाद हम इसमें मसाले को ऐड करेंगे। तो देखिए ये हमारा गुड़ पिघल रहा है धीरे धीरे और हमारी जो कढ़ाई में मसाला चिपका हुआ था वो भी इसमें देखो घुल गया है, मिल गया है। तो हमें उसी कढ़ाई में उसी बर्तन में गुड़ को पिघलाना है जिस कढ़ाई में हम मसाला भूनते हैं। तो अब हमारे ये गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अब हम इसमें जो भुने हुए मसाले रखे हैं ये इनको डालेंगे। इसमें हम ये मसाले डाल देंगे सारे। देखिए
मसालों को डाल के अब हम इसे चलाएंगे इस तरह से। इसको गुड़ को और मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी चला चला के इसी तरह से गैस पे चढ़े हुए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे हरीरा में। अभी हमने इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं, अभी हम ड्राई फ्रूट डालेंगे 2 मिनट बाद। ये मसाला और गुड़ हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हरीरे का। अब हम इसमें गोंद डाल रहे हैं। और गोंद के साथ साथ हमारी ये जो ड्राई फ्रूट रखे हैं भुने हुए, इन्हें ऐड कर देंगे इसमें। तो देखिए ये हमारा हरीरा बनके तैयार होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी अच्छा लगेगा। और आप लोगों ने जैसे हमारी पहले वाली वीडियो को, हरीरा की वीडियो को प्यार दिया है, उम्मीद करती हूँ कि इस हरीरा की वीडियो को भी आप उसी तरह का प्यार देंगे। देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट हरीरा बना है, बहुत ही अच्छा लाजवाब, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम 1 मिनट बाद ऐसे चला के इसको अच्छे से मिक्स करके और बस गैस को बंद कर देंगे। हरीरा ठंडा होने के बाद देखिए ये अपना एक्स्ट्रा तेल छोड़ देता है, तो इस तेल को हमने निकाल लिया है। आप भी इसको निकाल सकते हैं इस तरह से। ये कटोरी भर के तेल मैंने इसमें से निकाला है, इस तरह से ऐसे छोटे से चम्मच से लेकर दबा दबा के इसको निकाल लें एक्स्ट्रा जहाँ पर भरा हुआ है। और इसे इस तेल को आप सब्ज़ी वगैरह में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये अच्छा तेल होता है। ये एक्स्ट्रा तेल निकाल देता है और बाकी का तेल सूख जाता है इसमें। देखिए अब इसमें कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा जो भी होता है ना, ये इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये अभी भी काफ़ी है इसमें, लेकिन हम इतने तेल को इसमें छोड़ देंगे। देखिए ये निकला। तो चलिए हम इसको एक कटोरी में रखते हैं हरीरा को, और देखते हैं हमारा हरीरा कितना बढ़िया लाजवाब बना हुआ है। देखिए अब हम चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से फिर से गार्निश कर सकते हैं। तो आप अपने घर में इस हरीरा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि हमारी हरीरा की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो हमारी हरीरा की ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।